हेलो एवरी आज हम बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट के बारे में लास्ट लेक्चर में हमने एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट के बारे में डिस्कस किया था कि लिमिट कैसे एग्जिस्ट करती है इन्फिनी पे और एट द इनफिनिटी लिमिट क्या होती है इसके बारे में डिस्कस किया लास्ट लेक्चर में आज हम बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ के बारे में कुछ रिजल्ट के बारे में जो कि हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ओके okay? तो यहाँ पर मैं लिखा है सम इम्पोर्टेंट रिज़ल्ट ऑन एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट

दूसरा रिजल्ट यह है कि अगर लिमिट एफ एक्स एंड एफ एक्स जी एक्स दोनों एग्जिस्ट करती हैं एफ एक्स की भी एग्जिस्ट करती है और एफ एक्स इंटू जी एक्स की भी एग्जिस्ट करती है एक पॉइंट के ऊपर ए के ऊपर बहुत एग्जिस्ट इट डज नॉट नेसेसरी इम्प्लाइड कि जी एक्स की भी एग्जिस्ट करेगी एफ एक्स की अलग एग्जिस्ट कर रही है और इनके प्रोडक्ट की अलग से एग्जिस्ट कर रही है लेकिन ये इम्प्लाई ये नहीं करेगा कि दोनों की ये इम्प्लाई ये नहीं करेगा कि जी एक्स जो इसके अंदर है इसकी भी एग्जिस्ट करेगी ये इंप्लाई नहीं करेगा इसके लिए हमारे पास एक एग्जाम्पल है काउंटर एग्जाम्पल इसको समझने के लिए तो मैंने एग्जाम्पल ले लिया ये एफ एक्स इक्वल टू एक्स एक फंक्शन लिया और जी एक्स इक्वल टू मैंने सिग्नम फंक्शन ले लिया सिग्नम फंक्शन बोलते हैं इसको मॉड ऑफ एक्स अपॉन एक्स तो जब हम इनका प्रोडक्ट करेंगे एफ एक्स इन जी एक्स तो मॉड एक्स आ जाएगा ठीक है तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि एफ एक्स की लिमिट तो एग्जिस्ट कर रही है जीरो पे और इनके प्रोडक्ट मतलब इनका प्रोडक्ट करने पर हमें मिल रहा है ये मॉड ऑफ एक्स इसकी लिमिट भी एग्जिस्ट कर रही है ठीक है लेकिन जी एक्स की लिमिट तो एग्जिस्ट नहीं करती हमारे पास ये एग्जाम्पल मिल गया कि जीएस जीएस की, की, की लिमिट जीरो पे चेक करेंगे जीएक्स की लिमिट जीरो की तरफ राइट साइड चलते हैं तो ये आता है प्लस प्लन प्लस वन और जब निगेटिव साइड चलते हैं तो ये आता है माइनस वन तो जीरो पे इसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है जीएक्स की जबकि प्रोडक्ट की लिमिट भी एग्जिस्ट कर रही है और एफ एक्स की लिमिट भी एग्जिस्ट कर रही है तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर एफ एक्स की लिमिट एग्जिस्ट करती है और एफ एक्स जीएक्स की लिमिट भी एग्जिस्ट करती है तो इसके मतलब ये इंप्लाई नहीं करेगा कि जीएक्स की लिमिट भी एग्जिस्ट कर रही है ठीक है

एग्जाम्पल के लिए एफ एक्स बराबर हमने ये ले लिया एक फंक्शन ले लियाल टू माइनस वन लेस देन जीरो इक्वल टू जीरो पे तो राइट हैंड लिमिट यहाँ से देख रहे हैं तो वन आ रही है और लेफ्ट हैंड लिमिट यहाँ से माइनस वन आ रही है जीरो पे ठीक है तो इसका मतलब लिमिट तो एग्जिस्ट नहीं करती क्योंकि दोनों अलग अलग आ गई राइट हैंड साइड से अलग जा रहा है और लेफ्ट हैंड साइड से अलग जा रहा है तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही लेकिन मॉड ऑफ जैसे मॉड लगाएंगे तो ये माइनस वाला प्लस हो जाएगा तो मॉड ऑफ एक्स एफ ऑफ एक्स की इक्वल टू वन आ रहा है फॉर ऑल के लिए तो मॉड की लिमिट एग्जिस्ट कर रही है लेकिन फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही

ठीक है अब वो कोई एक ही लिमिट है मान लिया एफ एक्स और एच एक्स दोनों की लिमिट एल है तो बाई ये कह सकते हैं कि जी एक्स के लिमिट भी एल ही होगी तो मैंने लिखा कि ये कहता किस एग्जिस्ट एंड एक जी एक्स की लिमिट भी एग्जिस्ट करेगी और वो उसी के बराबर होगी L के बराबर लेकिन कंडीशन ये है कि एफ एक्स और एच एक्स दोनों की लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए और इक्वल होनी चाहिए तो उनके बीच में जो फंक्शन है उसकी लिमिट भी एग्जिस्ट करेगी और इक्वल होगी उसी उसी नंबर के के okay? ओके एक रिजल्ट हाँ पर हमने और लिखा है कि इफ लिमिट टू देन इज बाउंडेड ऑन सम नेबरहुड ऑफ अगर इसकी लिमिट एल एग्जिस्ट कर रही है किसी पॉइंट ए के ऊपर तो एफ उस नेबरहुड में उसकी डिलीटेड नेबरहुड में उस पॉइंट के जिस पॉइंट के ऊपर लिमिट एग्जिस्ट करती है उस पॉइंट की डिलीटेड नेबरहुड में बाउंडेड होता है ठीक है जिस पॉइंट के ऊपर मान ली ये कोई पॉइंट है यहाँ पर ए इस पे एग्जिस्ट कर रही है तो इसकी डिलीटेड नेबरहुड में नेबरहुड से मतलब होता है कि नेबरहुड में से इस वाले पॉइंट को निकाल दें ये वाले को ए ए को अलग कर दें बाकी जो इसकी नेबरहुड बचेगी तो ये कह रहा है कि रिजल्ट की एफ ऑफ एक्स की लिमिट अगर एग्जिस्ट करती है के उपर, तो उसकी रिलेटेड नेबरहुड में फंक्शन हमारा बाउंडेड होगा ओके नेक्स्ट रिजल्ट क्या है किसटेंस टू एफ ऑफ एक्सल टू एल एंड एल पॉजिटिव

तो ये रिजल्ट है अगर एफ मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है तो तो ये कुछ रिजल्ट थे जो मुझे आपको बताने थे अब इनके ऊपर कुछ कुछ भी सॉल्व करेंगे लेकिन ये वीडियो ना हो जाए इसलिए मैं इसको यहीं स्टॉप कर देता हूँ और सी एस uh, आई एन एट जेर एफ और आई आई के पॉइंट ऑफ व्यू से आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा ओके okay? फिर भी कोई डाउट है तो प्लीज कमेंट सेक्शन जरूर बताएं एंड इफ कंटेंट प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब ओके थैंक यू